बोले बस को सामान है रवि कपिल की नौबत ही है बस। हाँ सत्संग बोल देखो रविंदर कुमार सिरसा से ही रहने वाला हूँ मैं। बाइक सवार की कोई गलती नहीं थी, वह अपने रास्ते से ही आ रहा था, वो डिवाइडर के साथ में बिल्कुल सही चलता आ रहा था। रोडवेज ड्राइवर रोडवेज का कर्मचारी इस स्पीड से गाड़ी लेके आ रहा था जैसे कि वो फोर लाइन पे चल रहा हो, मगर जो गलती है वो रोडवेज कर्मचारी ने करके ड्राइवर कंडक्टर दोनों मौके से फरार हो गए। वो अपने सही रास्ते आ रहा था, उस लड़के के ऊपर से गाड़ी ऐसे निकाल दी उन्होंने, गोल्डिगी चौक से लेके परशुराम चौक के बीच प्रमोद ट्रेवल्स के बिल्कुल सामने। तो उसके बाद रोडवेज कर्मचारी वहाँ आसपास की दुकानों पर भी घूमे हैं, भाई हमारी सीसीटीवी फुटेज है उसे डिलीट कर दीजिए। ये तो जो वहाँ एक पोल पे लगे सीसीटीवी कैमरा था उसकी फुटेज मैंने सभी प्रेस वालों को अवेलेबल करवा दी है। लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम है राजेश खिचड़, गांव अली मोहम्मद, उसके पिता का नाम है नंदराम खिचड़। क्या करता सर वो? वो डिलीवरी बॉय का कार्य करता था, जो सुबह जल्दी ही अपने घर से अपने कार्य पे आ जाता था। आज सुबह सर वो कहाँ जा रहा था, कहाँ काम कहाँ? वो गांव से चलकर और अपने सिरसा डिलीवरी ऑफिस के लिए आया हुआ था सिरसा। बाईपास पर कोई डिलीवरी के है अपने, जो ये ऑनलाइन कोई फ्लिपकार्ट वो अमेजोन वगैरह के प्रोडक्ट वगैरह आते हैं जो भी आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, उसमें लगा हुआ था वो। पुलिस की तरफ से बॉडी को ले जाया गया, मौके पे ही उसका देहांत हो गया, तो उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं, पुलिस ने बयान ले लिया है, घर परिवार के मौके पर मौजूद सभी उसके गांव वालों के जो भी भाई बस में सवार थे, कोई ड्राइवर था या कोई अन्य कोई जो भी वहां मौके पर मौजूद मिले उनके सभी के बयान ले लिए उन्होंने। लड़के की एज 23 साल उम्र, उसके एक बड़ा भाई है और माता पिता हैं। अनमैरिड था? हाँ अनमैरिड था जी।